हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू मिनट में। आज मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा यूट्यूब पर लोएस्ट प्राइस के कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो का। इतना सस्ता कीबोर्ड और माउस शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यह कीबोर्ड मुझे इस तरह की पन्नी में मिला था। मैं आपको सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यह मुझे 349 रुपये में मिला। इसका पेमेंट मैंने कैश ऑन डिलीवरी पर किया। आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी इसका प्राइस देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है ऑर्डर टोटल 349। इसके बॉक्स पे तो पूरी चाइनीज लिखी गई है, इसलिए इस बॉक्स में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसे ओपन करके बताता हूँ। इसके बॉक्स को किसी भी तरह से पैक नहीं किया गया है, ये ओपन ही है। आप देख सकते हैं इसमें ओपन करते ही हमें सबसे पहले अपना मिनी कीबोर्ड देखने को मिलता है। इसकी बॉडी सिल्वर कलर की है और बटन वाइट कलर के है, और इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, यह भी चाइनीज में ही है। इसके अलावा इसमें एक माउस मिलता है। इसका साइज बहुत ही छोटा है और इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। मैं इस बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। आप देख सकते हैं इस माउस का साइज बहुत ही छोटा है। इस माउस के साथ हमें एक डोंगल देखने को मिलता है, जिससे हमारा माउस और कीबोर्ड एक ही डोंगल से पीसी से कनेक्ट हो जाएंगे। और यह इसका यूजर मैनुअल है, जिसके इमेज देख के हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। बाकी इसमें सब कुछ चाइनीज में ही लिखा गया है। अब मैं इस यूजर मैनुअल को साइड में रख देता हूँ। इस कीबोर्ड को यूज करने के लिए हमें 3 AAA बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास ऑलरेडी है। ये हमें इसके साथ में नहीं मिलती है। इस कीबोर्ड के साथ में हमें इसका एक प्लास्टिक का कवर भी मिलता है, जिससे डस्ट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो चलिए, हम सबसे पहले इसमें यह तीनों बैटरी इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको यूज करके देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से इसे ओपन करना है और इसमें 2 AAA बैटरी डाल देनी है। इसमें हमें कोई भी ऑन ऑफ करने का बटन नहीं मिलता है, जो सबसे अच्छी बात है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें दोनों बैटरी डाल दी है। अब मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ। कीबोर्ड में 2 AAA बैटरी लगती है, लेकिन माउस में 1 AAA बैटरी लगेगी। आप देख सकते हैं इसके साथ हमें एक डोंगल भी देखने को मिलता है, जो हमारे पीसी में लगता है। इस माउस में बैटरी ऊपर की तरफ ही लगेगी, इसलिए आपको इस तरह से इसे स्क्रॉल करना है तो यह ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें बैटरी डाल देनी है। अब हम इसको फिर से बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल सके। इस माउस की एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें ऑन ऑफ का बटन मिलता है। जब हम अपने पीसी का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन मैंने शॉपसी से ही 49 रुपये में एक वायरलेस माउस मंगाया था। इसमें हमें कोई भी ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलता है। जब हम अपना पीसी ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसलिए मैं न्यू माउस का तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस कीबोर्ड का यूज़ करूँगा। अगर विदाउट माउस ये कीबोर्ड अपने पीसी से कनेक्ट हो जाता है तो मैं पुराने वाले माउस का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इस माउस में जब हम कभी इसे ऑफ करना भूल जाएंगे तो यह हमारी पूरी बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा। मैंने अपना डोंगल इस पीसी में लगा दिया है और इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आया है, योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। अब हमारा कीबोर्ड और माउस यूज करने के लिए तैयार है। मैं सबसे पहले आपको इस माउस को यूज करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यह माउस अच्छे से काम कर रहा है। इस माउस में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यही दिक्कत लगी, इसे हमें बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं जल्दी से नोटपैड ओपन करके इस कीबोर्ड का यूज करके भी बता देता हूँ यह प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अभी मैंने अपने मोबाइल को ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर आपको मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों अच्छे से दिख पाएंगे। अब मैं जल्दी से इसमें नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और आपको कुछ टाइप करके बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से सस्ते में प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं आपको इसमें अपडेट देता रहूँगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें नोटपैड ओपन कर लिया है। अब मैं इसके फॉन्ट की साइज बढ़ा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें सबसे बड़ी साइज कर दी है, जिससे आपको अच्छे से दिख पाएगा। अभी मैं इसमें आपको कुछ टाइप करके बताता हूँ। इस कीबोर्ड और माउस में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
मैंने एक 49 रुपये का माउस का भी अनबॉक्सिंग किया है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं।